हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मेरे ऊपर कमेंट आया था क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी बेबी मतलब मसाज का, तो आया था मेरे पे कमेंट कि मैम प्लीज एक फुल वीडियो डालिए मतलब बेबी को स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं फर्स्ट स्टेप वाला डालूंगी, पहला पार्ट वन। दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी, तो पहले पार्ट में मैं पीछे बैक का ये मालिश करूंगी। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो देखिए, पहले हम लोग पीछे से मालिश करना बेबी का स्टार्ट करते हैं। मुझे भी ज्यादा ये नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बताई है, उसे देखे वैसा ही करते हैं। मेरे भी दो बच्चे हैं तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो ही गया है मालिश करते करते। तो देखिए, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को खुद से ही मालिश की हूँ, कोई नहीं किया है। तो आप लोग देखिए, आप लोग चाहे तो कोई भी तेल मतलब बेबी को मालिश करने के लिए आता है, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो बेबी को मिसा जाता है, जिस तेल से मालिश किया जाता है। तो मैं जॉनसन बेबी यूज करती हूँ और सर पे जो है सरसों तेल लगाती हूँ। तो आप लोग देखिए, तो मैं इसको तेल लेकर और हल्के हाथों से इसको मालिश करना है, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करना है, जो ये तेल दिख रहा है वो ऐसे जब तक तक मालिश करना है जब तक ये तेल सूख ना जाए। ये नहीं कि पूरा जोर जोर से दबा, जोर जोर से नहीं दबाना है, ऐसे जो ये है अगल बगल दोनों साइड ऐसे ऐसे आराम आराम से करके और मालिश करना है, ऐसे इस तरह से। अच्छे तरह से मिला लेना है हल्के हाथों से। देखिए, जो तेल मैंने डाली थी वो सूख रहा है, एकदम ऐसे मालिश करना है ताकि वो तेल सूख जाए। जब तक सूखे नहीं तब तक ऐसे मालिश करना है, तेल को अच्छे तरह से मिला लेना है। देखिए, पहले ऐसे करना है दोनों साइड, दोनों साइड ही करना है। बेबी को अच्छे से सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। मेरी बेबी सो गई है इसीलिए मैं बना रही, नहीं तो रोती, नहीं मालिश करने देती। देखिए, जो मैंने तेल डाला है वो क्या हो गया है, सोख गया है, पूरा सोख लिया है, यानी मिल चुका है। फिर भी मैं थोड़ा सा और इसको मिला लेती हूँ। इस तरह से जोर जोर से नहीं दबाना है, बच्चे रहते हैं इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से करना है। देखिए, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके मालिश कर लेना है। अब ये हो गया। देखिए, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इसके बैक एंड पीठ को क्या क्या है हमने मालिश किया है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो दोनों पैर हैं, तो बारी बारी से पहले मालिश करेंगे, दूसरे स्टेप में इस पर आप कोई भी पैर को करके और इस तरह से देखिए तेल ले लिए हैं और ऐसे मिलाना है ऐसे करके, ताकि बेबी का ये जो है ना पैर मतलब जो भी है सीधा होगा। और उसके बाद ऐसे करना है, आप लोग देखिए। अब ये जो है ना गस है, जो ये सबको ऐसे ऐसे करना है ताकि जो अब बड़े होने पर दिक्कत नहीं करो, सट्टा सट्टा नहीं हो, सट जाता है तो उसमें पानी लगने लगता है, इसलिए उंगलियां जो है यानी ये सबको उंगलियों से ऐसे ऐसे करके आराम से, यानी कि जोर से ऐसे कर देना है, आराम से ऐसे ऐसे करके इसको भी कर लेना है। उसके बाद ऐसे 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 आराम हल्के हाथों से करना है, जोर जोर से बच्चे को नहीं दबाना, क्योंकि उन लोग का जो शरीर होता है बहुत ही नाजुक होता है, तो इधर उधर हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से मिलाना है इस तरह से। देखिए जो होता है, ये देखिए यहाँ भी ऐसे, देखिए यहाँ भी ऐसे ऐसे करना है।
पेन जो है पैर मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा, सब एकदम बारिश एकदम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अब ये हो गया। अब सेम जिस तरह से इस पैर को किए हैं उसी तरह से दूसरे वाले पैर को भी करना है। इसको भी ऐसे उंगलियों में ऐसे कर लेना है, ऐसे इस तरह से। इसको भी उसी तरह जिस तरह से इस पैर को किया उसी तरह इस तरह इसी को भी। तो देखिए मैंने मतलब ज्यादा देर से ही मालिश करती हूँ तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कम ही टाइम ही मैं बता रही हूँ। आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन ये इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जोर जोर से नहीं दबाना है, तो पैर इधर उधर हो सकता है या कोई भी अंग इधर उधर हो सकता है। तो हल्के हाथों से ही आराम आराम से बेबी का मालिश करना है, क्योंकि ये जो होते हैं इन लोग का हाथ पैर पूरा बॉडी बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए आराम आराम से ऐसे तेल को मिलाना है। और जब ये हो जाएगा तब दोनों दोनों ही पैर को ऐसे एक हाथ पे लेकर के ऐसे आराम से ऐसे आराम से ऐसे दोनों एक हाथ पे लेकर एक हाथ से आराम से करना है। ऐसे इस तरह से अब हो गया। अब देखिए मैं पीछे कैसे मालिश किया जाता है, मैंने पीछे का मालिश करना बता दिया है। तो आज का वीडियो मैं इतना ही तक रखती हूँ और दूसरा मैं वीडियो डालूंगी आगे का, आगे कैसे मालिश किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।